वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्क राइड। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है टोयोटा वेट्स। ये थोड़ा पुराना वर्जन है, इसमें 4 सिलेंडर का यूज़ किया गया है। इसकी एसी की जो थ्रो है वो काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से गाड़ी काफ़ी पसंद की जा रही थी और इस गाड़ी की पिकअप भी काफ़ी अच्छी है। चलें सबसे पहले इस गाड़ी का वॉक अराउंड करेंगे, उसके बाद चलेंगे इसके डिटेल रिव्यू की तरफ और आपको मैं इसके एसी का थ्रो भी चेक करवाऊंगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसकी हेडलाइट की तरफ आ जाएं तो इसमें हेलोजन बल्ब यूज़ किया गया है और इसकी पार्किंग के लिए भी हेलोजन बल्ब है। साइड पे यहाँ पे टर्न सिग्नल दिया गया है। इसकी फ्रंट ग्रिल पे आ जाएं तो काफ़ी छोटी सी और स्मार्ट सी दी गई है। इसमें राउंड राउंड गुलदायरे बने हुए हैं, ये विट्स का लोगो। नीचे आ जाएं तो आप इसके बम्पर को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें साइड स्कल भी इंस्टॉल किए गए हैं। अब इसके साइड पे आ जाएं, यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल मिल जाएगा। नीचे आ जाएं तो आपको 14 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे जो आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किए गए। इस कार की फ्रंट पे डिस्क ब्रेक और बैक पे ड्रम ब्रेक यूज़ हुई हैं। यह आपको इंडिकेटर मिल जाएगा जिस पे टोयोटा लिखा हुआ है। ये इसके ORVM, आप इनको अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको आप डोर हैंडल देख सकते हैं, ब्लैक में दिया गया बॉडी कलर में। ऊपर आ जाए तो आपको सनरूफ भी मिल जाएगा। ये सनरूफ खुलता नहीं है, सिर्फ ऊपर को टिल्ट होता है। आप इसके रिम्स देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिम्स हैं। ये आप इस कार को देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर में बहुत कम आई है, ये ब्लैक कलर में। ये इब्राहिम मोटर्स की बैजिंग जिसने हमें एक कार प्रोवाइड की, ये टोयोटा का लोगो। ऊपर वाइपर दिया गया, ये आप देख सकते हैं। बैक स्क्रीन में डिफॉगर भी दिया गया। ये हाई माउंट स्टॉप लैंप स्पॉइलर के साथ। नीचे आपको रिवर्स लाइट दी गई है। ये आप इसकी टेल लाइट देख सकते हैं, LED में दी गई है, काफ़ी अच्छी टेल लाइट है। ये स्पेसिफिक मॉडल में टेल लाइट LED में आई है, वैसे हेलोजन बल्ब में ही होती है। यहाँ पे टोयोटा का लोगो। ये इसका फ्यूल लिड ओपनर, एक दफ़ा बांध साइड से लुक दिखा दें व्यूअर्स को। 1 एक दफ़ा दूसरी साइड की लुक दिखा दें व्यूअर्स को। ये नीचे आपको साइड स्कल्स मिल जाएंगे। इसका बैक डोर ओपन करते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको ब्लैक दिया गया और ये फैब्रिक। इसका डोर अपनर आप देख सकते हैं। इसके पावर विंडो काफ़ी अलग डिज़ाइन में दी गई हैं, जो नियो आल्टो आ रही है जो पाकिस्तानी है उसमें भी इसी तरह की दी गई हैं बैक पे। एयरबान आप बैक से ज़रा सीट्स दिखा दें, ये लेदर सीट्स हैं, ये भी ब्लैक में दी गई हैं। फुल कार ब्लैक इंटीरियर में। इसका जो डैशबोर्ड है उसमें ग्रे यूज़ किया गया है किसी किसी जगह पर, आप डैशबोर्ड देख सकते हैं। ये 3 हेडरेस्ट बैक पे दिए गए, इस कार में आर्मरेस्ट नहीं दी गई। चलें आप फ्रंट डोर ओपन करते हैं। नीचे फैब्रिक, इसका डोर हैंडल, ये लॉक अनलॉक का। इस तरफ आपको विंडो लॉक का बटन मिल जाएगा। ये ऑटो है ड्राइवर साइड वाला, बाकी पावर विंडो है। ये नीचे आपको स्पीकर मिल जाएगा, ब्लैक और ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ डोर दिया गया है। यहाँ पर आप फाइल वगैरह रख सकते हैं, बॉटल होल्डर नहीं दिया गया, एडजस्ट कर सकते हैं इसकी हाइट को। अब देख लें, बस इतना ही ऊपर जाती है सीट्स। यहाँ से आप इसको आगे पीछे रिक्लाइन कर सकते हैं।
ये इसके एसी वेंट्स काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन में दिए गए हैं। ये फॉग लाइट, ये इसकी मिरर की एडजस्टमेंट आपको दिखाते हैं, एक मिनट चाबी लगा देते हैं, अभी आपको इसको कंट्रोल करके दिखाते हैं। देख लें ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, यहाँ से आप अगर इसको मोड़ना चाहें, इसके स्टीयरिंग व्हील की तरफ आ जाएं, दरमियान में टोयोटा का लोगो दिया गया, नीचे SRS एयरबैग, इस तरफ आ जाएं तो हेडलाइट के रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे, दूसरी तरफ वाइपर के रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे, ऊपर नीचे हो सकता है, आगे पीछे नहीं कर सकते इसको। या आप इसके स्क्रीन पर दिखाएँ तो आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर डिजिटल में देख सकते हैं, आपको काफ़ी चीज़ें शो करवाता है। इसका जो मीटर है वो ड्राइवर की तरफ को दिखाता है, पैसेंजर साइड से ये नहीं नज़र आता, काफ़ी चीज़ें दिखा रहा है, ट्रिप ए ट्रिप बी। यहाँ पे भी छोटी सी स्पेस दी गई है स्टेयरिंग के नीचे। ये इसके एसी वेंट्स देख सकते हैं आप, ये अभी क्लॉक दिखा रहा है टेम्परेचर कितना है। ये हेजल लाइट का बटन, ये आपको डिफॉगर मिल जाएगा, यहाँ से आप एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, ये एसी की हवा कंट्रोल करने के लिए, ये कोल्ड और हीट पे लेके जा सकते हैं आप। नीचे आ जाएं तो आपको ये मल्टीमीडिया के रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे, डेस्क FM टेप काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्स हैं, ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। ये एस्ट्रे, नीचे दो कप होल्डर्स दिए गए, ये मैनुअल ट्रांसमिशन है 5 स्पीड, ये हैंड ब्रेक मिल जाएगी, ये ग्रे में दिया गया, डैशबोर्ड की जो अपर साइड है वो ब्लैक में है और जो लोअर साइड है वो ग्रे में है। ऊपर आ जाए तो यहाँ सनरूफ मिल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ टिल्ट होता है, या व्यूअर्स को दिखाएं रहमान, तो खुलता नहीं है पूरा, बंद कर देते हैं। पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, ये ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर मिल जाएगा, काफ़ी छोटे से वैनिटी मिरर है। ये इसका अपर साइड कंपार्टमेंट काफ़ी छोटा सा दिया गया है, ये इसका लोअर साइड कंपार्टमेंट, SRS एयरबैग मिल जाएगा, बोर्ड पे भी 2 स्पीकर्स मिल जाएंगे। कार स्टार्ट करते हैं, कार स्टार्ट हो गया, RPM दे, ये आप RPM देख सकते हैं इसका, कोई इसी इवेंट के थ्रू दिखाता हूँ आप देख सकते हैं काफ़ी। व्यूअर्स को दिखाएं तो ये इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो पावर है, काफ़ी ओल्ड कार है लेकिन फिर भी इसका जो डैशबोर्ड की लुक है अभी भी नहीं लग रही है। ये हेड स्पेस देख सकते हैं आप मेरी काफ़ी ज़्यादा है, ये तो वैसे भी एडजस्टेबल है, और ये लेग स्पेस, मैं आराम सुकून से बैठा हूँ, और सीट भी काफ़ी कम्फर्टेबल है, लेदर सीट्स हैं लेकिन कम्फर्टेबल है। चलें अब रुबान पीछे जाके व्यूअर्स को बैक सीट का कम्फर्ट दिखा दें। चलिए हम बैक पे आ गए हैं, इसका आप एड्रेस दिखाते हैं, इसका एड्रेस देख सकते हैं, फ्रंट की तरह बैक पे भी काफ़ी है। मैं देख रहा हूँ रुबान जहाँ से मतलब स्लाइडिंग दी गई है, ये ऊपर दिखाएं, जहाँ पे हमारा हेड आता है वहाँ पे स्लाइडिंग दी गई है जी रुबान। आगे आ जाएं इसके लेग स्पेस की तरह तो मुझे कम लग रहा है, अगली सीट थोड़ी पीछे है इस वजह से शायद लेग स्पेस मेरा कम नज़र आ रहा है। आ जाएँ इसकी सीट्स की तरफ तो इसमें लेदर का यूज़ किया गया है। चलिए अब चलते हैं इस गाड़ी का, पहले ट्रंक खोलते हैं उसके बाद इसका बोनट खोल के दिखाते हैं। चलिए अब इसकी डिग्गी खोलते हैं जी रुबान, आप देख लें, पर इसमें मेरे ख्याल से तो 2 बैग से ज़्यादा नहीं आ सकती, एक बार टच ही आ सकते फुल साइज़ का। ठीक है रवान, हैच बैग के लिहाज इसका बोनेट जी भी 1000 cc है जी रवान, ये 1000 cc है, ये 4 सिलेंडर कार है, इसकी पावर भी काफ़ी अच्छी है, इस वजह से काफ़ी पसंद की जाती है और काफ़ी सेल होने वाली कार है। मैसेज वाली बैटरी मैं देख रहा हूँ जी रवान, वॉल्ट कंपनी की, ये VVT-i इंजन है टोयोटा का, जो काफ़ी अच्छे नंबर्स ऑफ पावर एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है, वैसे ओवरऑल काफ़ी अच्छा इंजन है ये। चलें बोनेट को बंद कर देते हैं, चलें व्यूअर्स आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, स्टे ट्यून एंड अल्लाह हाफिज़।